सलाम आदाब, आप देख रहे हैं मधुबनी हलचल न्यूज। मैं सिराज आप सभी दर्शकों का फिर से अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ एक बहुत बड़ा मुद्दा मधुबनी को खासकर देखें, मधुबनी स्टेडियम का चुनाव आते हैं, नेताओं द्वारा बहुत से आश्वासन दिए जाते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। निगम के चुनाव में भी हमने देखा जितने भी प्रत्याशी थे सभी ने ये कहा कि हम स्टेडियम बनाएंगे, स्टेडियम की जर्जर हालत को ठीक करेंगे, लेकिन चुनाव बीत जाने के बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ। लोकसभा चुनाव सर पे है, बड़े बड़े नेता आएंगे, आपसे वादे करेंगे और कहेंगे कि हम फिर से मधुबनी स्टेडियम को बनाएंगे। उस भूल में आप मत रहिएगा, आप उनसे वादा लिखित रूप से करवा लीजिएगा, हो सके तो वीडियो भी बनवा लीजिएगा कि जीतने के बाद मधुबनी स्टेडियम सबसे पहले बने। कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार प्रशासन, नेता, सरकार के साथ साथ कुछ लोग भी हैं जो ये स्थिति बनने पर मजबूर किए हैं। अगर इनके पास, स्टेडियम के पास अगर जुमा होता तो वो कहते, अपने बयान को बताते कि वो कितना रो रहा है और कितनी चीख रही है। जी हाँ, हम जा भी नहीं सकते हैं अंदर, आपको दिखा भी नहीं सकते हैं, इतनी गंदगी, इतनी दुर्गंध यहाँ पे फैली हुई है जिसको बयान नहीं किया जा सकता है। जी हाँ, अंदर में बहुत से पानी भरे हुए हैं, साथ ही साथ बहुत सारा जंगल है और दीवारें पूरी तरीका से टूट गई है, कहीं पर भी कुछ बचा हुआ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बचा है तो नाम मेरे पीछे बना हुआ। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि 90 के दशक में इस स्टेडियम का निर्माण हुआ था, विगत 10 वर्षों से मैं देख रहा हूं और यहां के लोग भी देख रहे हैं। कई बार हम लोगों ने आवाज़ उठाई कि स्टेडियम की स्थिति सही किया जाए। जी हाँ, 2015 तक मुझे याद है, मैं जब छोटा था तो इस स्टेडियम में भी कमेंट्री किया करता था। यहाँ पे बड़े बड़े टूर्नामेंट हुआ करते थे, बड़े बड़े खेल हुआ करते थे। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ, यहाँ से बहुत से ऐसे ऐसे खिलाड़ी आए, उनके अंदर प्रतिभा थी, टैलेंट थी, लेकिन जगह नहीं होने के कारण, संसाधन नहीं हो पाने के कारण वे आगे नहीं बढ़ सके। वर्तमान समय में आप देख रहे होंगे कि आईपीएल का दौर चल रहा है। जी हाँ, आईपीएल में बिहारी और दुनिया के, बिहार ही नहीं ऐसे दुनिया के बहुत से कोने कोने से जिनके पास प्रतिभा है वो खिलाड़ी आते हैं आईपीएल में और अपनी प्रतिभा को दिखाते हुए उनका सिलेक्शन होता है, वो बड़े मुकाम तक पहुँच पाते हैं। जी हाँ, लेकिन हमारे मधुबनी जिला की स्थिति, बिहार की भी स्थिति इतनी दयनीय है कि यहाँ, खासकर मधुबनी जिला की मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी खिलाड़ी अब तक इंटरनेशनल में नहीं जा पहुँचा है। टैलेंट में मुराद खान का नाम आप सुने होंगे, भवाड़ा के नदीम थे, मोमिनटोला के राहुल स्पार्टन, जिनके पास बहुत से ऐसे टैलेंट हैं, खिलाड़ी हैं। एथलीट का भी यहाँ पे मैच हुआ करता था, कबड्डी हुआ करता था, फुटबॉल हुआ करता था। मैंने अपने पूर्वजों से सुना है कि राघोनगर और गुआ पोखर के बीच में बड़े बड़े टूर्नामेंट हुआ करते थे फुटबॉल के, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं रहा है। हालांकि फुटबॉल का स्तर डाउन हुआ है, क्रिकेट का स्तर बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन ऐसे ग्राउंड नहीं है कि जहाँ पे वे मैच खेल सके, प्रैक्टिस कर सके। अपनी प्रतिभा को छिपाते हुए वो कहीं ना कहीं बेरोजगार हो जाते हैं, दूसरी लाइन की तरफ बढ़ जाते हैं। हम हमेशा आवाज़ उठाते हैं और उठाते रहेंगे, हमारे वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें और सरकार तक इस बात को, प्रशासन तक इस बात को पहुँचाए कि जल्द से जल्द जो भी प्रतिनिधि हैं, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, मेयर हो, डिप्टी मेयर हो, कमिश्नर हो, जिला परिषद हो, जो भी हमारे प्रतिनिधि हैं वो इस चीज़ पर ध्यान दें। जी हाँ, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, कमेंट के माध्यम से बताएं कि जल्द से जल्द बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। और भी खबरें देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे मधुबनी हलचल न्यूज़।